दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए जेएमडी न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियोस सबसे पहले। भारत एक ऐसा देश है जहां पाई को अव्वल दर्जा दिया जाता है। भारत में माना जाता है कि अगर आप शिक्षा में सफल हो गए तो समझिए आप जिंदगी में सफल हो गए। इसी कारण हमारे देश के युवाओं के पास पढ़ाई की कई डिग्रियां हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में आज तक सबसे ज्यादा कौन पढ़ा है? अगर नहीं तो आइए आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। इस व्यक्ति के पास अनगिनत डिग्रियों के अलावा कई मेडल भी हैं और इनकी खुद की लाइब्रेरी में 52,000 किताबें भी थीं। दरअसल यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस नेता डॉक्टर श्रीकांत जिचकर हैं। इनका नाम भारत के सबसे योग्य व्यक्ति के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर न केवल पाई में अव्वल थे बल्कि उन्हें पेंटिंग, प्रोफेशनल फोटोग्राफी और एक्टिंग भी आती थी। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का जन्म सन 1954 में नागपुर के नजदीक हुआ था। उन्हें भारत में अब तक का सबसे शिक्षित व्यक्ति माना जाता है। माना जाता है कि डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने सबसे पहले एमबीबीएस की डिग्री ली थी और उसके बाद उन्होंने कई शोध भी किए। वो विज्ञान के साथ साथ राजनीति, थिएटर और जर्नलिज्म में भी शोध किया करते थे। एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की और एलएलबी के साथ साथ एलएलएम की पढ़ाई भी की। इसके बाद उन्होंने एमबीए की डिग्री प्राप्त की और जर्नलिज्म की भी डिग्री ली। साल 1980 में उन्होंने अपनी सभी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया और राजनीति में कदम रखा। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर एक वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने कांग्रेस की 80 और 90 के दशक में बहुत मदद की। काफी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का साथ देने के बाद डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने 2 जून 2004 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।